डोर टू डोर कैंपेन चलाया। उसके अगले चरण में हमने दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से संकल्प सभाएं शुरू की। उसके अगले चरण में हमने रोड शो के माध्यम से जनता के बीच में अपने संदेश को पहुंचाया। उसके बाद अलग अलग समाज के हिस्सों में महिलाओं के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ, ग्रामीण इलाकों में अलग अलग संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज आपके सामने जो इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये चुनाव हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस दावे की सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन का काला जादू क्या है? ये काला जादू अभी आपके बीच में हमारे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और पूरी टीम आपके सामने वॉशिंग मशीन का काला जादू अभी प्रदर्शित करेगी, उसका डेमो करेगी। और हमने ये निर्णय लिया है कि जो आज हम वॉशिंग मशीन के काला जादू का प्रदर्शन आज हम आपके सामने कर रहे हैं, इसके लिए चार सेट हम तैयार कर रहे हैं, चारों लोकसभा के लिए चार टीमें तैयार कर रहे हैं। और ये टीमें अगले 23 तारीख तक दिल्ली के अंदर इन चारों लोकसभा में, अलग अलग विधानसभाओं में इस वॉशिंग मशीन के काला जादू को जगह जगह प्रदर्शित करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का जो असली सच है, काला चिट्ठा है, वो जनता के सामने रखेंगी। तो हमें भरोसा है, वैसे तो पूरा देश आज वॉशिंग मशीन के काले जादू को समझ रहा है, लेकिन एक आम आदमी इसके माध्यम से चीजों को समझ पाए और देश की सच्चाई क्या है, देश की सरकार की सच्चाई क्या है, उसको समझ पाए। कल चार चरण का मतदान पूरा हुआ है, पूरे देश से यही खबर आ रही है कि इन चार चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी दो पर सिमट गई है। ऐसे में हमारी कोशिश यही है, दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी जो बचे हुए तीन चरण हैं, उसमें प्रचार को और तेज किया जाए, सरकार के सच्चाई को जनता के सामने रखा जाए, जिससे लोग सही निर्णय ले सकें और इस तानाशाही की सरकार को हटाएं और इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। तो इसके लिए ये नया अभियान वॉशिंग मशीन का काला जादू ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं अब चाहूंगा कि सौरभ जी इसको आपके सामने जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे और इसका डेमो किया जाए। थैंक यू आकाश। साथियों, आप सबको मालूम है कि देश में क्या माहौल है। देश आज ये दो एजेंसियां ही चला रही हैं, ये है ईडी, ये है सीबीआई। और जब केंद्र सरकार का मंच पर चलता है, किसी भी नेता के खिलाफ ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया जाता है। कुछ सालों पहले आपको मालूम होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के ऊपर आदर्श सोसाइटी घोटाले के आरोप लगे थे और कहा गया था कि कारगिल की शहीदों की जो विधवाएं हैं उनके लिए जो मकान बनने थे, जो सोसाइटी बननी थी, उसके अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला अशोक चव्हाण ने किया था
और प्रधानमंत्री जी ने अशोक चौहान जी के विषय में क्या कहा था, एक बार सुनाइए। भारत माँ की रक्षा करने वाले करगिल के युद्ध में माँ भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण को आपको सुनाया हमने। प्रधानमंत्री जी अशोक चौहान के बारे में बता रहे हैं कि कारगिल की विधवाओं के लिए जो फ्लैट बनाए उनको भी लूट लेंगे अशोक चौहान, लेके आओ उसको, अच्छे से पकड़ो इसको। क्या किया इसने, क्या किया, क्या किया तुमने, कौन सा घोटाला किया है? आदर्श घोटाला सर, आदर्श घोटाला। करो इसको ठीक करो, थोड़ा मशीन में जाओगे धुलोगे, मशीन में जाओगे या जेल में जाओगे? मशीन में जाओगे, जाके देखो, जाओ जाओ करो इसकी सफाई, सीबीआई घुमाओ, घुमाओ इसको अच्छे से, अच्छे से। अरे मशीन घोटाला किया है, अच्छे से धुलाई करना, अच्छे से धुलाई करो इसकी। अरे अच्छे से धो इसको, और अच्छे से, और अच्छे से, रह गया थोड़ा घोटाला रह गया, अच्छे से और साफ करो, और साफ करो, बस मशीन ना टूट जाए, निकालो बाहर। अब आप देखिए साफ सुथरे होके अशोक चौहान बाहर निकले हैं, क्लीन चिट, बिल्कुल क्लीन चिट, सीबीआई और ईडी ने क्लीन चिट, बिल्कुल साफ सुथरे होके अशोक चौहान निकले हैं। और आप देख सकते हैं इनके टी शर्ट के ऊपर, इनके कपड़ों में जितने दाग थे भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में सारे के सारे धुल गए हैं। और अब ये संतरी रंग की टी शर्ट के अंदर निकले हैं, सीधा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद बनने के लिए तैयार हैं, खुश हैं, इनकी जिंदगी जो है बदल गई है। अगले आदमी को हम लेके आएंगे, अगले आदमी है, पेश किया जाए हेमंत मिश्र शर्मा, लेके आओ इसे। क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ये इतने मेले हो गए घोटालों से। हाँ और क्या, मेला ही तो है, जेल जाओगे या मशीन में जाओगे? साथियों ये हेमंत बिश्व शर्मा हैं, ये कांग्रेस के असम के मंत्री थे, और इनके खिलाफ, आ गए हो तुम्हारी तारीफ हो रही है, आओ, इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने तक कैंपेन चलाया था कि ये वाटर घोटाले में शामिल है, शारदा घोटाले में शामिल है। 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भ्रष्टाचारी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, इनके ऊपर सीबीआई और ईडी, और बाद में ये वॉशिंग मशीन में डाले गए। कहां जाओगे, मशीन में जाओगे या जेल में जाओगे? मशीन में, तो ये मशीन में जाएंगे, जाइए मशीन में। रगड़ के, रगड़ के, अच्छे से, बड़ा घोटाला है यार, और अच्छे से साबुन लगाओ उसको। हमारे मोती वॉशिंग पाउडर की बात ही अलग है सर। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। हो गया क्या? अरे सर आइए सर, वाह वाह, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देखिए कितने साफ सुथरे संतरी रंग की टी शर्ट में बाहर आए दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले भी हमने कुछ डेमोज में बताया कि जब किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगता है, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर इल्जाम लगाती है, सीबीआईडी पकड़ के रखो, छोड़ के रखो। सर तो सर हो गए ना, अच्छा छोड़ो, सलूट करो, सलूट 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 करो, मालिक हो गए सर,
मालिक हो गए। तो पहले जब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो ये परेशान थे। आपने सुना होगा टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है, अगर आपके बाल कम हो या मोटापा हो तो आदमी बहुत परेशान होता है जिंदगी में, और फिर उसको कोई दवाई मिलती है जिससे उसका मोटापा घट जाता है, उसके बाल आने शुरू हो जाते हैं। आपने विज्ञापन देखे होंगे, विज्ञापन जो है अंग्रेजी प्रोडक्ट के होते हैं और उसको हिंदी में डब किया हुआ होता है, तो जो विज्ञापन के अंदर दिख रहा होता है वो कोई अंग्रेज दिख रहा होता है और मुंह से हिंदी की डबिंग चल रही होती है। उसके अंदर ऐसा था, मैं बहुत परेशान था, मेरे पीछे ईडी पड़ी हुई थी, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मेरा आत्मविश्वास गिरता जा रहा था, कोई बीड़ी मांगता था मुझे ईडी सुनाई देता था, कोई सीडी चलाता था मुझे ईडी सुनाई देता था, सुबह 6 बजे दूध वाला आता था मुझे लगता था ईडी आ गई, मैं बहुत डरा डरा रहता था, सारी बीजेपी मुझे भ्रष्टाचारी कहा करती थी। तभी मुझे किसी ने कहा, आप बीजेपी क्यों नहीं ट्राई करते, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, ये एक ऐसी चमत्कारी मशीन है, इसके रिजल्ट बिल्कुल अद्भुत है, अब मेरे पीछे कोई ईडी सीबीआई नहीं है, सब जगह मेरी इज्जत हो गई है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन अद्भुत है, चमत्कारी है, इसको सबको इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा भी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ होके बाहर आए हैं। अब किसी आम आदमी पार्टी के आदमी को पकड़ के लाओ, इसको लाओ, ये क्या जैन लिखा हुआ है इसके पास, लेके आओ इसको, ले आओ, पकड़ो गले से इसको, ईमानदार आदमी है कस के। अरे क्या किया है इसने जैन साहब, ओ जैन साहब क्यों मोहल्ला क्लिनिक बनवाते हो यार, क्यों तंग कर रखा है साथ? और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, फ्री दवाई फ्री दवाई दोगे जी, देंगे इलाज फ्री करोगे, दिमाग हमारे साहब का खराब कर देते हो जैन साहब, आप आदमी बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी खराब है, पार्टी खराब है, आदमी अच्छा है पार्टी खराब है। एक काम करते हैं, आप ही जाइए ना, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, हो जाइए ना, नहीं जाना है सर, जो हो जाए जाए, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं लेकिन सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। अरे वॉशिंग पाउडर में बहुत मजा है, टेम्पररी है सर, कल भी हाथ धुल जाएगा कल फिर गंदा हो जाए। ये बताइए क्या क्या मिला इनके खिलाफ? सर इनके खिलाफ मिले 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक, सभी अस्पतालों में फ्री दवाइयां, पॉली क्लिनिक फ्री इलाज। आप समझिए, मैंने सर मैं इनको समझा रहा था, इनको बताओ इनकी जिंदगी बना देंगे मोदी जी। मोदी जी आप दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, मशीन में जाते ही देश के हेल्थ मिनिस्टर, ऑफर है सर, सर वो चाहे मुझे प्रधानमंत्री बना रहे देश का, फिर भी मैं ना जो सेवा करना चाहता हूँ। इस नलायक को तुरंत जेल में डालो, टूट ही नहीं रहा, जाओ किसी काम में जाओ, जेल में डालो, रहो यहीं पे, सड़ो यहीं पे, यहीं सड़ो, बुलाओ उसको, वो जो दूसरा इनका एजुकेशन मिनिस्टर है, ले आओ भाई स्कूल वालों को भी, हाँ कोई काम नहीं इनके पास। आइए मनीष जी आइए, क्या कर रहे हैं आपकी भी समस्या है, क्यों स्कूल बनवाते हो यार, आप स्कूल बनवाते हो, हाँ साहब हमसे बात करते हैं, हमारी क्या गलती है? मैं आपको समझा रहा हूं मनीष जी, आप आदमी बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरा ख्याल कीजिए, मेरी मजबूरी है, प्लीज मान जाओ ना। नहीं मानूंगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे मशीन में जाते ही आप। अरे देखो कितनी बढ़िया मशीन है, इधर देखो तो सही,
चमक के निकलोगे, चमक के। कोई फायदा नहीं, समझिए समझिए, कोशिश कोशिश। अरे जाके देखो तो सही। मनीष जी प्लीज, मनीष सिसोदिया समझे। अरे 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 समझो, मेरे मेरे बच्चों की कसम आपको समझो, मेरी मजबूरी है सर, मेरी मजबूरी है। जेल में डाल देंगे आपको, जेल में डाल देंगे। डालो डालो इसको, डालो इसको, ठीक करो इसको। कमाल है, डालो इसको, नलायक। क्या क्या किया इसने? स्कूल बनवाते हैं सर, बच्चों को पढ़ाते हैं, वोट बैंक खराब हो जाएगा सर। मोदी बच्चों को पढ़ाते हैं सर, गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबको सबको फ्री एजुकेशन सब। वो लोग पढ़ लिख लेंगे, इसके पास काम नहीं, के नाम पे वोट पास करेंगे, अपना काम नहीं करने के लिए। पता नहीं सर क्या, तो रहो जेल में, इसको सड़ाओ यहीं पे। कमाल है, इसके छापे मारो। जा रहे हैं तुम्हारे घर पे, आ जाओ मारो छापे इसके यहाँ सब। सीबीआई आज जाओ, तुम भी कुछ काम करो, ईडी सारा के सारी बदनामी ले रही है, तुम भी तो लो कुछ। अगली रेड तुम्हें मारनी है। ये थोड़ा शर्माता शर्माता सा रहता है सीबीआई, ईडी की तरह बेशरम बन के देखो सर। पीएमएलए सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। तुम पीछे रह जाओगे, बढ़ाओ मारो छापे, छापे मारो इसके। मनीष सिसोदिया गए, खूब मारो। तुम भी मारो, जाके देख के आओ क्या मिल रहा। चवंदी मिली है? कुछ नहीं मिला। आप देखो ईडी वालों, आप देखो कुछ। सर कुछ नहीं देखो, मशीन के पीछे देखो। बड़ा मुश्किल हो रहा है सर, कब तक जेल में रखा जाए? ढूंढो ढूंढो, क्या मिला? कुछ नहीं मिला सर, चवन्नी भी नहीं मिल रही। इतने छापे मारने के बाद कुछ नहीं मिला? हाँ। इतनी रेड मारी तो भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा सर, परेशान हो गए। सोच लो, मशीन तैयार है। ये जैन बहुत बोलता। उसको बुलाओ जो इनके यहां बहुत नारेबाजी करता है, रुके ना दो झुके ना जो। हाँ हाँ, उसको लागो, बहुत बदमाश है, उसने बहुत उदम मचा रखा। ये हाँ। ये है इनका सरगना, मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा शोर यही मचाता है। ये भारत माता की जय, वंदे मातरम, इसके पास कोई काम नहीं है। रुके ना जो झुके ना जो, हम वो इनकलाब है। तुम्हारा इलाज हमारे पास है, सुनो। ये जो नारे लगा रहे ना, यही सब जेल भेजेंगे तुम्हें, इन्हीं के चक्कर में जेल जाओगे तुम। एक ही मांग मांग रहे हैं, अडानी, ये इन्हीं के चक्कर में डर डालना है, जेल में डालना है, बस उसी मांग कर रहे हैं। बस ये अंबानी अडानी के पीछे इसका टेप रिकॉर्डर वहीं, इसकी सुई वहीं फंसी हुई। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अरे कुछ काम करो तुम अपना। देखो वो जो लोग नारे लगा रहे ना, ये सब बदमाश है, कर्नाटक से कुछ नहीं होना, फंसाएंगे जेल में तुम जाओगे। तुम जाओ मशीन में, जाओ ना दो के आओ, तुम्हें हम मंत्री बनाएंगे। अरे लेके जाओ, चलो 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 चलो, आराम से। अबे अबे अबे, आराम से आराम से आराम से, अरे आराम से, सुल्तानपुर के बिगड़ना जाए। ये इसको डालो जेल में, बदमाश नहीं मान। चलो इसको भी, चलो संजय सिंह को भी जेल में डालो, डालो इसको अंदर, सड़ाओ इसको। चलो, और एक दूसरे से बात करनी बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। ये देखो, ये देखो, बुलाओ इलेक्शन कमीशन को, करो बैन का वोट से करेंगे, वोट से करेंगे। हाँ हाँ, दोगे वोट से जवाब। अरे सीबीआई आजा आजा, मशीनें सेट है, आजा अगले को बोलो। देखिए ऐसा है, इन तीनों को तो बंद किया है, मगर जो इनका बॉस है ना, सबसे शैतान वही है। सर वो सोरेन सोरेन में था ना, हेमंत, पहले केजरीवाल को डालते हैं, झारखंड वाला पहले, झारखंड को डालते, पहले दिल्ली काफी हो गया सर, अब झारखंड इसको पकड़ो। हाँ, लाओ सोरेन को, लाओ उसको, उठा के लाओ। वो झारखंड वाला भी मान ले, आ गया, आजा। तो सोरेन साहब चले मशीन में, चलो ना।
अरे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, गुदगुदी होगी। अरे तुम्हारी सारी तकलीफ ठीक करेगी ये मशीन। वरना देखो ये देखो, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और ये जैन, क्या सबसे बड़ा जैन देखो इनका। अरे भाई चाकन वाला इनको जेल से कटना नहीं है, नहीं है जेल जाओगे? डरता नहीं है। चलो ऐसा डरते नहीं है तो इन्हीं की तरह अंदर जाओगे। चलो सीबीआई तुम मुख्यमंत्री हो, अच्छा कुछ सब बढ़िया चल रहा है, चलो जाओ मशीन में। संविधान कौन देता है भाई? अरे आदिवासी की छोड़ो, अपने आने वाले की सोचो। चलो चलो जाओ जाओ, बड़ा मजा आएगा। चलो अरे जाके तो देखो। चलो अरे जेल में जगह कम है, चलो डालो इसको जेल में डालो, बहुत नाटक हो गया इसका, इसको डालो डालो जेल, जेल में डालो, नाटक नौटंकी कर रहा है बहुत, डालो इसको भी। गाओ गाना इनके साथ, गाओ गाना इनके साथ मिलके। ये मेरे संजय सिंह, सिखाओ इसको भी गाना, रुके ना जो झुके ना जो। अरे नालायक, नाक में दम कर दिया। इसका ऑडियो है। अजीत पवार के विषय में मोदी जी ने क्या कहा था? चलाइए अजीत पवार का, लेके आओ इसको। आराम से, आराम से मशीन में चला गया, बॉस बन जाएगा, रुक जाओ। एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला। खनन घोटाया मध्य अजित दादा की अवस्था विकार करार आमचे नाता भाऊ फडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग 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 चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग नहीं चक्की बंद, तो वॉशिंग मशीन में जाना चाहेंगे। वॉशिंग मशीन हाँ, वो कौन जाएगा जेल? ये आदमी अच्छा है, ये आदमी समझदार है, इसको दिखाओ, इनको दिखाओ। देखो मूर्खो, ऐसा ऐसा भी होना है। ये जेल का जवाब उठ से देंगे और आप वॉशिंग मशीन में जाएंगे, जाइए जाओ, लेके जाओ इसको, धो के लाओ इसको अच्छे से, रगड़ के धोना। ये हमारी मशीन में साफ किए जाते हैं। दो 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 बहुत ज्यादा साफ करो, इसको साफ करो, गंदा आदमी है बहुत। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तालियां। अरे इसका तो नामा भी पूरा फट गया धुलाई में। कैसा लग रहा है पवार? अब तो डिप्टी सीएम का सीएम से तो कम मैं बनूंगा ही नहीं, तो सीएम बनना है सर। सीएम बनना है, डिप्टी सीएम बनना है? नहीं सीएम बनना, चाचा को धोखा देके सीएम बनना है? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं तो बस मोदी जी की बात सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये ऐसे लोग चाहिए हम। न्यू इंडिया वेरी गुड वेरी गुड, काम आसान हो जाता आप लोग। अब इन सब क्या सरगना जो है उसको लेके आओ, वो बहुत शोर मचा रहा है सर। इनसे तो हमें उसने नाक में दम कर रखा, तुम्हारी भी उसको लाओ, ले आओ उसको लाओ। जब तक उसको नहीं लाओगे तब तक चुनाव ऐसे ही बैठा रहेगा, इसको लाओ सर, बवाल हो जाएगा। इससे बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं देश में, इसको लेके आओ। अरे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, लेके आओ। अरे कोई हीरो नहीं मिलेगा, इसको लेके आओ, कोई देश उल्टा नहीं होगा, लेके आओ इसको, लेके आओ। तुम क्या कर रहे हो, लेके आओ, चापलूसी करते रहते हो गोपाल भाई की, जाओ लेके आओ, जाओ लेके। अरे आ जाओ, अरे रुक जाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये सबसे बदमाश सही है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे रुक जाओ भारत माता की, पकड़ो इसको, इसको अच्छे से
इसको वॉशिंग मशीन के चक्कर में मत लगाओ, इसको सीधे जेल में डालो, इसको जालो जेल में।